हेलो स्टूडेंट्स वी आर बैक विद अ नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर सेकेंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट पॉलिंग ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलन एलर्जी पॉलन सप्लीमेंट्स पॉलन वायबिलिटी देखिए ये एन का पैराग्राफ आपको दे रखा है सबसे पहले हम इसे समझते हैं पॉलिन पोलग्रीन ऑफ मेनी स्पीशीज़ कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन नॉर्मली क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ के पॉलिन पोलग्रीन ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस में एलर्जीज़ कॉज करते हैं और अगर वही एलर्जी ब्रोंकाई के अंदर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन जैसे ये लंग का डायग्राम आपको दिख रहा होगा लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई यहाँ पे आपको विजिबल होंगे अगर हम एक ट्यूब की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो उसे हम क्या बोलते हैं ब्रोंकस और दोनों ट्यूब्स की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाय इन दोनों ब्रोंकाय में अगर पोलन के कारण एलर्जी हो रही है देन इट इज़ नॉन एज ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन इसकी हम बात कर रहे हैं और इस ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन के कारण बहुत सारी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है देखिए आपने डिसऑर्डर्स दो तरह के पड़े हैं एक्यूट और क्रॉनिक्यूट मतलब जो छो कम टाइम के लिए रहता है डिसऑर्डर उसे हम कहते हैं एक्यूट डिसऑर्डर क्रॉनिक जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए आ, परसिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं क्रॉनिक रेस्पिटरी डिसडर जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सब आपने सुना होगा ऑलरेडी ये डिसीजेज हैं जो नॉर्मली एलर्जीज के कारण ह्यूमस में हो जाती है इट मे बी मैंशन दैट पारथेनियम और कैरेट ग्रास अब ये क्या चीज़ें पार्थीनियम या फिर कैरेट ग्रास ये एक तरह का वीड है वीड स्पेलिंग हम देखें तो डब्ल्यू डबल ई डी वीड हम किसे बोलते हैं जो भी अनवांटेड प्लांट ग्रो करते हैं आपने नॉर्मली आपके घरों के आसपास या कहीं पे भी जो हाँ खाली जगह है वहाँ पे बहुत सारी वीड्स उगते हुए देखा होगा जिन्हें नॉर्मली हम ग्रो नहीं करते हैं, वो अपने आप ग्रो हो जाती है उसे हम वीड बोलते हैं अनवांटेड प्लांट ठीक है तो ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसी का एक एग्जांपल है पार्थेनियम यहाँ पिक्चर में भी आपको बता रखा है जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं इसका कॉमन नेम है और इसे नॉर्मली हिंदी में गाजर घास भी कहा जाता है ये इसी की बात कर रहे हैं हम दैट केम इन टू इंडिया एज द कंटामिनेंट विथ इम्पोर्टेड वीट जो इंडिया में कैसे आ गया जब वीट का इम्पोर्ट हुआ था यहाँ पर तो उसी में कंटामिनेंट के थ्रू यहाँ पे आ गया था कंटामिनेंट मतलब अनवॉन्टेड सब्सटेंस या फिर बोल सकते हैं इस केस में पॉइजनस सब्सटेंस जो यहाँ पे आ गया था हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन ओकरेंस यूबिक्यूटस का क्या मतलब अब ये ऐसा वीट हो चुका है जो हर जगह हमको मिलता है यूबिक्यूटस का मतलब है इट इज़ फाउंड इन ऑकरेंस एंड कॉजस पॉलन एलर्जी और पॉलन एलर्जी भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉर्मली आपने ऑब्जर्व करा होगा आप अगर पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास हम बोल सकते हैं उसे आप टच करते हो तो आपको हैंड में ईचिंग होने लग जाती है तो वो ईचिंग इसी वजह से होती है आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी हमने पॉलन एलर्जी के बारे में पढ़ा है पॉलन एलर्जी के अंदर हमने रेस्परेटरी डिसऑर्डर्स की बात करी है इसी में एक एग्जाम्पल हमने देखा पार्थेनियम और कैरेट ग्रास का नेक्स्ट आपको बता रखा है पोलन सप्लीमेंट्स के बारे में पोल ग्रीनस आर रिच इन न्यूट्रिएंट पोल ग्रीन में न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है इट हैज बिकम ए फैशन इन रीसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा पॉलन टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट्स स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड देखते हैं अपन इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि हम क्या देख रहे हैं इंग्लैंड ये भी इंग्लैंड का प्रोडक्ट है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल के प्रोडक्ट टैबलेट के फॉर्म में या फिर हम बोल सकते हैं सिरप्स के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं मार्केट में अब पोलन का कंजप्शन करते हैं क्यों है वो हम देखते हैं पोल कंजप्शन हैज़ बिन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रिसोर्सेज नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी एथलीट्स रहते हैं रनिंग का जिनको बहुत ज़्यादा काम रहता है या फिर जो रेस हॉर्सेस है जो भी हम देख रहे हैं हॉर्स जो रेसिंग के लिए काम आते हैं उन्हें पोलिन के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कन, करे जाते हैं उनसे ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है इससे इम्प्रूव हो जाए इस वजह से पोलिन का कंजप्शन करा जाता है नेक्स्ट देखते हैं वेन वंस दे आर शेड किसकी बात कर रहे हैं हम ग्रेन्स की बात कर रहे हैं जब ग्रेन शेड हो जाते हैं मतलब प्लांट से रिलीज हो जाते हैं हमने ग्रेन देखा था ये स्ट्रक्चर देखा था हमने स्टेमिन का स्टेमन कितने पार्ट से मिल बना था एंथर एंड फिलाेंट एंथर के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं ग्रेन जैसे ही एंथर में डहीसेंस की प्रोसेस होगी डहीसेंस मतलब एंथर बर्स्ट होगा तो ग्रेन रिलीज होंगे या फिर ग्रेन क्या होंगे शेड होंगे ये कह सकते हैं हम पोलन ग्रीन हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा पोलन ग्रेन को कहाँ लैंड करना पड़ेगा स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ेगा तो ये ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा किसका पार्ट है पिस्टल या फिर हम क्या बोल सकते हैं कार्पल का पार्ट है कार्पल पिस्टल दोनों एक ही चीज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो स्टिग्मा पे जैसे ही लैंड होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रीन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन अब जब सिग्मा पे लैंड करता है तो एक कंडीशन होती है वही देखते हैं अपन वेन वंस दे आर शेड पोलग्रीन्स हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज़ देयर वाइबिलिटी कब तक लैंड कर सकते हैं जब तक इसकी वायबिलिटी लूज ना हो वाइबिलिटी क्या है इसे समझते हैं थोड़ा अच्छे से नॉर्मली हम देखें तो वायबलिटर का मतलब होता है एबिलिटी टू सर्वाइव कब तक पोलग्रीन सर्वाइव कर सकते हैं हम इसे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सपोज़ ये ग्रेन है इनकी वाइबिलिटी अगर मैं कह रही हूँ फिफ्टी मिनट्स है एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं कि इनकी वाइबिलिटी कितनी है 50 मिनट्स है और सेफ फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेन शेड हो गए हैं एंथर से और शेड हो होने के वन uh, आर बाद ये कहाँ पे लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं अगर वायबिलिटी फिफ्टी मिनट्स है और अगर वन आर बाद में क्या कर रहे हैं ये स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी इन केस फिफ्टी मिनट्स है वाइबिलिटी और ये अगर थर्टी मिनट्स या फिर फिफ्टी मिनट्स के अंदर ही कहाँ पर लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं देन इट डेफिनेटली बी एबल टू फ़र्टिलाइज यहाँ पे फ़र्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी आई होप वायबिलिटी क्लियर हो गया होगा वायबिलिटी मतलब पोलग्रीन कब तक सर्वाइव कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम देखते हैं हम दे लूज़ वायबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन वायबिलिटी क्या कर देते हैं लूज़ कर देते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर होगी तो वायबिलिटी पोलग्रीन लूज नहीं कर सकते हैं सो पोलिन्रीन को कहाँ पे लैंड करना है स्टिग्मा पे लैंड करना है और कब तक वो लैंड कर सकते हैं जस्ट से पहले वायबिलिटी लूज ना हो वाइबलिटी लूज होने से पहले उनको लैंड करना है स्टिग्मा पे हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पॉलिंग्रीन रिटेन्स वाइबिलिटी पॉलिंग्रीन की वायबलिटी कब तक रहती है ये कैसे पता चलेगा तो देखिए हर स्पीशीज़ की वायबिलिटी अलग अलग होती है ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर स्पीशीज़ या फिर हम बोल सकते हैं सारी स्पीशीज़ की एक जैसी वायबिलिटी रहती है कुछ स्पीशीज़ की मिनट्स में रहती है वाइबिलिटी और कुछ कुछ ग्रेन्स तो ऐसे होते हैं जिनकी वाइबिलिटी मंथ तक रहती है बहुत सारे मंथ्स तक वो क्या रहते हैं वाइबल रहते हैं मतलब दे आर एबल टू फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वो कर सकते हैं देखते हैं अपन द पीरियड फॉर विच पॉलिंग्रीन रिमेन्स वाइबल इज़ हाईली वेरिएबल वेरिएबल मतलब सब में क्या है अलग अलग है एंड टू समलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ये भी याद रखना है आपको कि कुछ कुछ टाइम पर ये किस पर डिपेंड करते हैं प्रिवेलिंग टेम्परेचर या टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करते हैं इन सम सीरियल सच एस राइस एंड वीट पॉलिंग्रीन लूज वाइब्रिटी विद इन थर्टी मिनट्स ऑफ देयर रिलीज जैसे ही रिलीज होंगे तो थर्टी मिनट्स में वाइबिलिटी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी ये आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है किसके अंदर खत्म होगी राइस एंड वीट नेक्स्ट देखते हैं एन एंड सम मेम्बर ऑफ रोजेसी लेग्यूमिनीसी एंड सोल सोलेसी ये आपको तीन फैमिलीज बता रखी है एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती है आपने एलेवेंथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है टेक्सोनॉमिक हेरारकी टेक्सोनॉमिक हेरारकी में हम पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ जब कम्बाइन होती है बहुत सारी स्पीशीज़ मिलके क्या बनाती है जीनस जीनस मिलके क्या बनाती है फैमिली तो यही तीन फैमिलीज़ बता रखी है आपको जैसे सोलिन के अंदर बहुत सारे आ, बहुत सारे हम क्या देखते हैं स्पीशीज़ आती है जैसे सोलिनम ट्यूबर्सम पोटैटो सोलिनम मेलॉन्जना सोलिनम निगरम ये सब इसी के मेम्बर्स हैं यह इसी के स्पीशीज़ हैं नेक्स्ट देखते हैं दे मेंटेन वायबलिटी फॉर मंथ इसमें वायबिलिटी कितनी रहती है मंथ तक बहुत सारे महीनों तक पॉलग्रीन कहते हैं उनकी वाइबिलिटी रहती है यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूम फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम नॉर्मली क्या करा जाता है जो भी ह्यूमन्स के हैं स्पर्म्स को स्टोर करा जाता है या फिर सीमेंट को स्टोर करा जाता है तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है इसको और डिटेल में हम अपकमिंग फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो स्पर्म को स्टोर करा जाता है अब स्टोर कैसे करते हैं तो उसे नॉर्मली लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलग्रीन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज अब अगर हम पोलग्रीन की बात करें तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसे भी स्टोर करा जा सकता है फॉर ईयर्स ईयर्स तक हम इसे क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं और इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है कितना होता है माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड सच स्टोर्ड पॉलन्ग्रीन कैन बी यूज इन पॉलिन बैंक्स और इन स्टोर्ड पॉलन्ग्रीन को कहाँ पे यूज़ करा जाता है पॉलिन बैंक के अंदर यूज़ करा जाता है ये लिक्विड नाइट्रोजन आपको बता रखा है सिमिलर टू सीड बैंक सीड बैंक्स के बारे में आपने सुना होगा जहाँ पे सीड्स को स्टोर करा जाता है उसी तरह से पोलिन बैंक भी होते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो भी ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स रहते हैं जहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ को ब्रीड करवाया जाता है तो अगर हमारे पास में स्टॉट पोलन ग्रेन्स होंगे या फिर सीड बैंक्स होंगे तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं अच्छे से आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब